खबरदार। नहीं, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो बेटे को नहीं बचा पाओगे। देखा, एक बाप के लिए अपने बेटे की जिंदगी बहुत कीमती होती है। सुंदर की जिंदगी की जितनी कीमत है उससे कई गुना ज्यादा। मेरे लिए मेरे पिताजी की जिंदगी की कीमत थी मिस्टर मंतोष बनर्जी। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? क्या सोच लिया ये सबसे तुम बरी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। सोच रहा हूं इस नाटक का आखिरी सीन तुम देख पाओगे ना। बोल अपने बाप के सामने, मेरे पिताजी ने तुझे 3,000 रुपए दिए थे कि नहीं? बोल। पैसे मैंने लिए थे। सुन रहे हो ना तुम? अब बोल, होटल में मेरे बैग में हीरोइन किसने रखी? बोल। मैंने। क्यों? क्यों? प्रिया के लिए। अब बोल, मधुर घोष की बेटी का कत्ल किसने किया? मैंने। बोल, किसने खून किया? मैंने किया। क्यों? क्यों तू मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीनने पे तुला हुआ है? क्यों तू मेरी खुशियां छीन रहा है? बोल, बोल, क्यों कर रहा है ये सब? बोल। ये मत भूलो कि तुम किसके बेटे हो। कानून अपने हाथ में लेके अपने पिताजी को नीचा मत दिखाओ। उसे छोड़ दो। देखा ना, ये है मेरी माँ और यही है मेरी शिक्षा। पापा इसने मुझे जबरदस्ती बुलवाया, सब झूठ है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ। बबुआ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरी बेटी को मार डाला, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मैं गवाही दूंगा। प्लान पहले से ही करके रखा था, एक साथ जेल जाऊंगा। सर, इसमें सुंदर का लिखा हुआ बहुत चिट्ठियां हैं, तस्वीरें हैं, केस में काम आएगा। ये भी शायद आप ही का है। यस, ये तो मेरा रिवॉल्वर है। चोरी की है। शंकर इसे लेके भाग रहा था, मैं पकड़ने गया। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, सब झूठ है। देख लिया मेरे भगवान कितने जागृत है। शंकर ने अपने पिताजी की बदनामी मिटा दी। सालों पहले मेरे पति निर्दोष होके भी जेल गए थे, और आज आपका बेटा वो सच्चा गुनहगार है। आज मेरा व्रत खत्म हुआ, अब हम जाएंगे। चलो। रुक जाइए। आपके बेटे ने उसके पिता की निर्दोषी को सही साबित कर दिया। मैं मानता हूं हरनाथ जी निर्दोष थे, सारे बदनामियों से मुक्त हो गए। भगवान ने आपकी सुन ली, लेकिन एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का फर्ज क्या होता है? जाने से पहले आप ही देख लीजिए। मैं खुद से मुजरिम के खड़गरों में खड़ा करूंगा और देखूंगा कि इसे फांसी लगे। He's hanged by the neck until death. Move.